हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई तो जंग लड़ता है। इसका हिसाब चाहिए मुझे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रुस्लान मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे मैदान मूवी के बारे में और वही दूसरी तरफ बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में। आइए जानते हैं ये तीनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रुस्लान मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म रुस्लान को आज सिनेमा घरों में 5 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रुस्लान के 5 दिनों के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म रुस्लान, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले हैं आयुष शर्मा, जगपति बाबू और सुनील शेट्टी। बताना चाहूँगा आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे हो रहे हैं। इस हफ्ते इस फिल्म के अलावा कोई भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, जिस वजह से इस फिल्म को स्क्रीन काफ़ी अच्छी मिली थी। जी हाँ, इस फिल्म को दुनिया भर में 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म के कलेक्शन स्क्रीन के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए रुस्लान फिल्म के 5 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया, तो अपने दूसरे दिन 78 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वही इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन में 86 लाख रुपए और अपने चौथे दिन में यानी कि सोमवार के दिन लगभग 27 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म का 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 2,51,00,000 रुपए का हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 3,20,00,000 रुपए हो चुका है। इसी के साथ ओवरसीज में लगभग 40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसमें 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड के हिसाब से 3,60,00,000 रुपए हो चुका है। बात करें इस फिल्म के 5 दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 5 दिन में इंडिया में लगभग 21,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म रुस्लान बजट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। आइए वही बात कर लेते हैं मैदान के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अजय देवगन स्टार फिल्म मैदान को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 19 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आज हम इस फिल्म के 19वें दिन इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस फिल्म के 20वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मैदान एक हिस्ट्री, सपोर्ट और ड्रामा से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3500 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वही इस फिल्म की स्टार्ट कास्ट के बारे में चर्चा की जाएंगी। तो आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन, प्रिया मणि, कृति सुरेश और गजराज राव जैसे कलाकार नजर आए हैं। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें फिल्म का निर्देशन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म को आईटीडीबी पर 8.9 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। वही अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 7,10,00,000 रुपए का किया। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 28,35,00,000 रुपए और दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 9,95,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वही इस फिल्म ने अपने 16वें दिन 80,00,000 रुपए, 17वें दिन 1,65,00,000 रुपए, वही 18वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका था। फिल्म ने 19वें दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो बता दें आपको फिल्म ने 19वें दिन यानी कि अपने तीसरे सोमवार को इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ मैदान का टोटल 19 दिनों का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन
43,25,00,000 रुपए का हो गया है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। इस तरह से ये फिल्म अपनी लागत के हिसाब से ज़्यादा पीछे कर गई है। वही इस फिल्म के कलेक्शन को देखकर लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो जाएगी। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस में चर्चा की जाए तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अब तक इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 52 करोड़ रुपए की रेंज में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 59,50,00,000 रुपए कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म की 20वें दिन की इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी के लिए आपको चर्चा की जाए तो आपको बता दें कि फिल्म अपने 20वें दिन यानी कि अपने तीसरे मंगलवार को इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 40 से 50 लाख रुपए के कलेक्शन करने वाली है। इसी के साथ फिल्म मैदान का टोटल 20 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 4,75,00,000 रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। आइए वही बात कर लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड के उभरते हुए एक्टर टाइगर श्रॉफ, जो कि जाने जाते हैं अपने बेहतरीन एक्शन और स्टैंड के लिए, अब उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसको बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए 19 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये फिल्म ले चुके हैं अपने 20वें दिन में एंट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के 20 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और मूवी का 20 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कितना करोड़ का हो चुका है। तो फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक मास एक्शन फिल्म है, जिसको दर्शाया गया है भारत की आर्मी के ऊपर, जहां पर आपको बताते चलें कि हमारे भारत के अंदर ऐसे भी सीक्रेट एजेंट्स है जो कि बड़े मियां छोटे मियां, जो कि बड़े बड़े मिशन को टारगेट करते हैं और उसको कामयाब करते हैं। ऐसे में ऐसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसका बजट है 350 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, जो कि इससे पहले कई सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। अब बात करी जाए आखिर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अभी तक हम सभी के बीच में कितने करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो आपको पहले बता दें कि फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को हम सभी से बीच में 3500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया है, जिसमें इस फिल्म को 2800 स्क्रीन दी गई है इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी स्क्रीन है, यानी कि 700 स्क्रीन वो हमको विदेशी मार्केट में देखने के लिए मिली थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर बनने वाली फिल्म को कई सारी भाषाओं में रिलीज कर रहा था। तो बात करें मूवी के कलेक्शन की, तो मूवी अपने पहले दिन 15,65,00,000 रुपए कमाए थे। फिल्म ने पहले हफ्ते में 49,90,00,000 रुपए कमाए, तो मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते में 8,60,00,000 रुपए का बड़ा कलेक्शन करा। बात करें फिल्म के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो मूवी ने अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री लेते हुए 19वें दिन में लगभग 40,00,000 रुपए कमाए। तो ये फिल्म अपने 20वें दिन का प्रीडिक्स लगभग 20,00,000 रुपए का क्रेत हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते इस फिल्म का 20 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 61,15,00,000 रुपए का देखने को मिल रहा है और मूवी का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। यानी कि उसके बावजूद भी ये फिल्म ये काफ़ी बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। वैसे आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्में पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बउआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।